नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आपके सामने आया हूं आपके ही मतलब की बात लेके। बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब क्या? अगर आपका जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया और ऐसा लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट की मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो समय बर्बाद नहीं करना है और वापस फिर से खड़े होके साबित करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो आपके पास, क्योंकि अगर आप ट्वेल्थ का एग्जाम दे चुके हैं, तो ये आपके पास लास्ट चांस है आईआईटी में जाने का, अपने को प्रूफ करने का कि मेरे में भी टैलेंट है, मैं दिखा सकता हूं जमाने को कि मैं आईआईटी में जा सकता हूं। तो इसके लिए मोशन लाया है आपके लिए फर्स्ट बैच। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो बहुत समय है, फर्स्ट बैच में क्यों ज्वाइन करूं? ध्यान रखिएगा बेटा, केवल फर्स्ट बैच ज्वाइन करने का मतलब नहीं होता है कि आप जल्दी आ रहे हो तो क्या होगा। बात समझिए इसके फायदे, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन, क्या हर आदमी से मिस्टेक होती है, लेकिन क्या अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो क्या मिस्टेक सुधारने के लिए आपके पास सफिशियंट टाइम होता है? मिस्टेक तो सबसे होती है, लेकिन क्या मिस्टेक सुधारने का सफिशियंट टाइम मिलेगा? दूसरी बात, आपका सिलेबस पहले खत्म होगा, सिलेबस खत्म होगा तो आपका रिवीजन भी चलेगा, आपके बहुत सारे टेस्ट पेपर्स होंगे, उनका फायदा उन बच्चों को नहीं मिलता जो लेट ज्वाइन करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है, तो मान लीजिए कोई बच्चा अगस्त सितंबर में आता है तो उसको उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका कोर्स ही खत्म होने में ही बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट बैच में आते हो तो आपको बहुत सारा समय मिलेगा अपनी गलतियां सुधारने का, प्रॉपर रिविजन का, बहुत सारे टेस्ट देने का। तो बात करते हैं ड्रॉपर बैच, ये आप ध्यान रखिएगा क्या लिखा है। ध्यान रखिए, डू नॉट मिस दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू योर ड्रीम आईआईटी। लास्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये आप ड्रॉपर बैच की बात हो रही है, ये आपको आईआईटी जाने का लास्ट चांस है। बिकॉज क्या आपको ये पता है कि आईआईटी में दो ही अटेम्प्ट होते हैं, एक होता है ट्वेल्थ के साथ और एक होता है ट्वेल्थ के बाद। तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है जिसमें आप आईआईटी जा सकते हो, तो जी जान लगा देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मैंने केवल स्कूलिंग करी है, क्या मेरा एक साल पढ़ के आईआईटी में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे अनगिनत केस हैं जो केवल स्कूलिंग करते हैं और बस, ध्यान रखिएगा उन्हीं का होता है जो एक साल जीजान लगा देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने स्कूलिंग करी है कि आपने कोचिंग पढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जब ड्रॉपर बैच में पढ़ रहे हो कितना ऑनेस्ट हो, कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हो, कितने घंटे आप कर रहे हो पढ़ रहे हो, कितना होमवर्क कर रहे हो, कितना टीचर की बात को सुन रहे हो, कितना कोचिंग में जो आपको फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं कितना उनको फॉलो कर रहे हो, इस बात का फर्क पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इसमें टेंशन मत लीजिए कि मैंने स्कूलिंग करी है, मेरा आईआईटी में होगा कि नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, केवल कोचिंग में एडमिशन लेने से आईआईटी में नहीं होता। एडमिशन ले लिया, उसके बाद जैसा आपके गुरुजन कह रहे हैं वैसा फॉलो करते जाइए, विश्वास रखिए आप पक्का आईआईटी में जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एकेडमिक प्लानर है, क्योंकि बात ड्रॉपर बैच की हो रही है तो ड्रॉपर बैच में बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है, तो ट्वेल्थ ही पढ़ लो। क्या आईआईटी का जो एग्जाम होगा उसमें 11th और 12th का पूरा सिलेबस आएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जेईई मेन हो या एडवांस हो, आजकल का जो पैटर्न है वो 50% 11th और 50% 12th आता है। तो आप अगर ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको कंप्लीट 11th एंड कंप्लीट 12th के जितने चैप्टर हैं सारे पढ़ाए जाएंगे। यहां जो मेंशन है वो 11th के चैप्टर मेंशन है, इधर जो मेंशन हो गया आगे आप देखिएगा 12th के चैप्टर्स मेंशन है। तो आपको सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, मतलब विद मॉड्यूल डिस्कशन, पीवाईक्यू डिस्कशन। क्योंकि आप फर्स्ट बैच में आ रहे हो तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है, पढ़ाने का काम हमारा और आपका जो फाइनेंशियल है वो आपके पेरेंट्स का है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा सेलेक्ट होता है। जो बच्चा जीजान से मेहनत करता है वही सेलेक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं। इसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, मैं आपको बता दूं मोशन का जो प्रोग्राम है उसमें क्या होता है, हर 3 वीक में एक टेस्ट होता है। आपको जो भी 3 वीक में पढ़ाया जाएगा उसका एक टेस्ट होगा, ठीक है। कुछ टेस्ट जेईई मेंस पैटर्न पे होते हैं, कुछ टेस्ट जेईई एडवांस्ड पैटर्न के होते हैं। तो अगर देखा जाए कि अगर 3 वीक में एक टेस्ट होता है तो टोटल लमसम
10 टेस्ट होंगे, उसके बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराई जाएगी। और ये आपको इसका अलग से कुछ पेमेंट नहीं करना है। कुछ लोग कहेंगे कि ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, क्या इसका मेरे को अलग पेमेंट देना है? नहीं, ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा, बस आपको केवल रिवीजन के साथ टेस्ट देना है। और क्योंकि जितना आप ज़्यादा टेस्ट दोगे, क्या आप फाइनल एग्जाम के लिए उतने ही फैमिलियर होगे? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये गेम ही प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस का है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रैंक के साथ IIT के अंदर जाओगे। तो बात ज़रा समझते हैं कोर्स फीचर्स। देखिए कोर्स फीचर्स की बात करें इस बैच की, तो टॉट बाई नेशंस बेस्ट फैकल्टीज, कोटा की बेस्ट फैकल्टीज समय मोशन में है, वो सबसे पढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। कंप्लीट कवरेज ऑफ JEE सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। देखिए बात समझिए, मोशन में आपको बता दूं, मोशन में इतनी फैसिलिटी है, बट फैसिलिटी का फायदा वही उठा पाता है जो घर में पढ़ता है। क्योंकि क्लास किए, आप घर में नहीं पढ़ रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे को क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। 1-to-1 इतने सारे डाउट टीचर हैं, सीनियर टीचर डाउट बताते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई, आप मान लीजिए क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं समझ में आया, तो आप जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में ही पूछ सकते हो, क्लास के बाहर टीचर से पूछ सकते हो। अगर वो चले जाते हैं तो बहुत सारे टीचर हैं उनसे आप पूछ सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन फैसिलिटी का फायदा जो उठाएगा वही सक्सेस पाएगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं SS Promotion लर्निंग ऐप, आपको लर्निंग ऐप मिल जाएगा। अब बात जरा समझिए, इसमें मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बता देता हूँ कि भाई बैच जो स्टार्ट हो रहा है, इस बैच की स्टार्टिंग डेट है 27th March। अब कुछ लोग कह रहे हैं मेरा एग्जाम तो खत्म हो गया है, मेरा एग्जाम खत्म हो गया तो इतने दिन में क्या करूंगा, बैच तो 27 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो मोशन लर्निंग ऐप आपका चालू हो जाएगा। एक आध चैप्टर ऐप से पढ़ने की कोशिश करिए जब तक आपका 27 मार्च आ जाएगा, फिर अपन कोर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो बात जरा समझिए, रिसीव प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डेली प्रैक्टिस मिलते ही है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको जरा ध्यान सुनिएगा, AI बेस्ड DPP मशीन टू आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपने देखा होगा जब कभी अपन कोई बीमार होते हैं तो अपन ब्लड टेस्ट कराते हैं, जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो कुछ पॉजिटिव होता है कुछ निगेटिव होता है ना, तो जो पॉजिटिव आते हैं क्या उनके बेसिस पे डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर मेडिसिन प्रोवाइड करता है। मोशन में हिंदुस्तान की एक पहली एजुकेशन मशीन है, ऐसी मशीन जो आपकी कमियों को आइडेंटिफाई करती है और उसके हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान की पहली मशीन है जो मोशन के पास है। आप जब ऐप यूज करते हो उसमें PYQ करते हो, टेस्ट पेपर देते हो, मॉड्यूल के आंसर सबमिट करते हो, तो जो मशीन है उससे ऐप से कनेक्टेड है और उस मशीन को आपकी गलतियां पता चल जाती हैं कि इस चैप्टर के इस टॉपिक में ये बच्चा वीक है। तो उस मशीन से जब आप DPP निकालने जाते हो तो जो टॉपिक आपके गलत हो रहे थे उन्हीं के क्वेश्चन वो प्रोवाइड करती है, और वो तब तक उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रोवाइड करती रहेगी जब तक वो आपका चैप्टर या वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। ये बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन फिर वही बात, फायदा वही उठाएगा जो पढ़ेगा। इसलिए अगर आप चाह रहे हो कोटा आना और जी जान से पढ़ना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। देखो बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ईमानदारी से आइए, पढ़िए, मशीन का फायदा उठाइए और टॉप IIT के अंदर एडमिशन पाइए। तो AI बेस्ड मशीन का मतलब समझ में आ गया आपको, स्टार्टिंग देख लीजिए 27 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लियर, ये लगभग 15 मंथ्स का पूरा सिलेबस होगा, पूरा मतलब जब तक एडवांस नहीं हो जाता तब तक की फीस है, तब तक आप मोशन से कनेक्टेड रहोगे। ठीक है भाई, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, एडवांस सारा, जैसे कुछ लोग कहेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेबस खत्म हो गया तो उसके बाद भी क्लासें चलती हैं, रिवीजन चलता है, PYQ का डिस्कशन चलता है, अभी भी बैच चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पूरा लगभग 15 मंथ्स का प्रोग्राम है। तो आपको मैं बार बार यही कर रहा हूँ, पढ़ना आपको है, जी जान लगाना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो कोटा से बेस्ट कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि कोटा में क्या हो गया, यहाँ क्या है, मैं आपको बता दूं कोटा इज द बेस्ट किन के लिए, अगर आप
ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, पक्का जो पढ़ने आता है कोटा में, और अगर वो ऑनेस्टी के साथ पढ़ता है, टीचर सपोर्ट का फ़ायदा उठाता है, तो मैं आपको बता दूं 100% वो सेलेक्ट होके जाता है। क्लियर भाई? कोर्स फी सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोर्स फी है वो इस कोर्स की फी है 1,65,000। लेकिन आपको इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। आप ये मत समझिएगा कि ये तो फीस इतनी मैं कैसे दूंगा, मैं तो गरीब हूं लेकिन इंटेलिजेंट हूं। मैं आपको बता दूं ये फीस, जो फीस है इसमें बहुत सारी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आप अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप में टैलेंट है। देखिए, नो योर स्कॉलरशिप, देख लीजिए, गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस जैसे आप मान लीजिए 12th का बोर्ड का रिजल्ट, 10th के बोर्ड का रिजल्ट, बहुत सारी क्राइटेरिया, जैसे आप अप्लाई करोगे वैसे आपको बहुत सारे क्राइटेरिया दिख जाएंगे कि किस बेसिस पे मेरे को स्कॉलरशिप मिल सकती है। नो एग्जाम, नो रजिस्ट्रेशन फी, डायरेक्ट स्कॉलरशिप। आपको बहुत सारे क्राइटेरिया दिखेंगे, आप वहाँ चेक करो कि मेरे को इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, मेरे को इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिल रही, जिसमें आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही हो वो आप लीजिए और एडमिशन लीजिए। और ईमानदारी से जिस दिन आप एडमिशन ले लेते हो, आप समझ लीजिएगा कि एक साल मेरे को जी जान लगा देना है और टॉप IIT में जाके दिखाना है। अगर आप इतना करते हो तो पूरा मोशन परिवार आपके साथ है। कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है, हम सब लोग आपके हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि पढ़ना तो आपको ही है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई? अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ये मोशन की वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट दी है, इसमें जाइए और अपनी स्कॉलरशिप के बारे में पता कर लीजिए। स्कॉलरशिप आपको पता चल जाएगी कितनी स्कॉलरशिप मिल रही, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए और IIT में जाने की जर्नी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई कब से बैच स्टार्ट हो रहा है? 27 मार्च। 27 मार्च से ड्रॉपर का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली हैं, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए और 27 मार्च से IIT जाने की तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू।